सब्सक्राइब करने के लिए आप मेन स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये टोटली फ्री है, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस सॉन्ग का क्यू, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तीन तरीके के पनीर पकोड़े, जिसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम पनीर, 1.5 कप बेसन, आधा कप ग्रीन चटनी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मिर्ची, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम पनीर को छोटे पीसेस में काट लेंगे, साथ ही हम इसके थोड़े बड़े पीसेस भी काटेंगे। जो बड़े पीसेस हैं उनमें हम एक चक्कू की सहायता से स्लिट बनाएंगे जो 3/4 एरिया तक जाएगा, ताकि पीछे से ये बंद रहे। अब हम चारों पीसेस को ऐसे ही काटेंगे। एक हम बाउल लेंगे, उसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए छोटे पनीर के पीसेस डालेंगे और इन सभी पीसेस को ये मिक्सर से कोट कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से कोट करना है। जब हमारे सारे पीसेस कोट हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इसे हमने मैरिनेट किया है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए अलग रखेंगे। हमारे स्लिट किए हुए बड़े पनीर के पीसेस के अंदर हम 3 पिंच चाट मसाला और 3 पिंच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यही प्रोसेस हम दूसरे पनीर के बड़े पीस के साथ करेंगे। इसमें हम चाट मसाला डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब एक दूसरे स्लिट किए हुए बड़े पनीर के पीस के अंदर हम 1 टीस्पून हरी चटनी डालेंगे। ध्यान रहे आपकी चटनी थोड़ी गाढ़ी होना चाहिए, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। इस तरीके से हम दूसरे पीस के साथ भी करेंगे। इसके अंदर भी चटनी भरने के बाद हम स्लिट को बंद कर अलग रख देंगे। इस तरीके से हम इन पीसेस को अलग रख देंगे। अब एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर 1.5 कप बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून नमक, इन सब 1/4 हल्दी और लगभग 1 कप पानी मिलाएंगे। हम इसे बीटर की सहायता से करेंगे। कोशिश ये करनी है कि इसमें लम्स ना बने। हम पानी को धीरे धीरे डालकर मिलाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे पानी डालने से इनमें गुठली नहीं बनेगी और बीटर की सहायता से ये अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। हमें इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, इस तरीके से चम्मच की सहायता से जब गिराएंगे तो इसे आसानी से गिर जाना चाहिए। अब हम हमारे मैरिनेटेड पीसेस और बड़े पनीर के पीसेस को धीरे धीरे कर बेसन के घोल में मिलाकर तलेंगे। इसके लिए हम एक पैन में तेल गरम करके 3/4 रिम तक भरेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तलेंगे। ऐसा हम सभी पीसेस के साथ करेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद हम इन सभी पीसेस को फ्लिप कर देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक जाए। इसके बाद 2 मिनट के बाद हम फिर इन सभी पीसेस को फ्लिप करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे सारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे।
अब हम पनीर के बड़े पीसेस को भी इसी तरीके से तल लेंगे। हम इन्हें बेसन के घोल में डिप करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर तलेंगे। सभी पीसेस को डालने के बाद हम 2 मिनट तक रुकेंगे और 2 मिनट के बाद इसे हम फिर से फ्लिप कर देंगे ताकि इसकी दूसरी सतह भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम 2 मिनट के बाद इन्हें वापस से फ्लिप करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारे पकौड़े अच्छे से तल जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इन्हें अलग से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े दोनों तरफ से कितनी अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।